प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने भोपाल में होर्डिंग लगाकर कमलनाथ सरकार की 8 महीनों की उपलब्धियों को गिनाया है, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल में उस समय सियासत गर्मा गई जब प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान ने कांग्रेस के 8 महीनों के कामकाज को होर्डिंग के सहारे गिनाया। पूर्व की शिवराज सरकार से कमलनाथ के कामों की तुलना करता हुआ यह होर्डिंग पीसीसी के बाहर लगा है, जिसमें नाथ सरकार के अभी तक किए गए सभी कार्य दिखाए गए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान के 13 साल के कार्यकाल की गलतियों को होर्डिंग में बताया है। वहीं होर्डिंग लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 8 महीनों से प्रदेश की जनता में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को हकीकत बताना हमारा कर्तव्य है। सीएम कमलनाथ के प्रदेश की बागडोर संभालते ही किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उसके बाद से प्रदेश में विकास निरंतर जारी है। देखिए, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 8 महीने से मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में विकास के कार्य रुके हुए हैं, जबकि 17 दिसंबर 2018 से जिस दिन से कमलनाथ जी ने शपथ ली थी, मध्य प्रदेश के किसानों की ऋण माफ़ी की फाइल 2 घंटे में साइन करके उन्होंने विकास की गाथा लिखना शुरू कर दी थी। उसके इतर आज तक लगभग 100 वचन उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरे करके अपनी नीति और नीयत साफ कर दी है, और भाजपा के घोषणावीर मुख्यमंत्री को यह जवाब है कि आप देश के पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 13 साल में 23,000 से अधिक घोषणाएं करी थी, और कमलनाथ जी की शख्सियत सिर्फ विकास और विकास और विकास मध्य प्रदेश के हित में निरंतर लागू करने की है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगते ही भाजपा नेता व पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के 8 महीने की नाकामी जनता के सामने पहले से ही है। जनता सब जानती है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने आते ही तबादला उद्योग चलाकर डाका डाला है। कांग्रेस सरकार की किसान कर्ज माफी योजना भी 0 साबित हुई है। कांग्रेस की सरकार के 8 महीने की नाकामी जनता के दिल और दिमाग में पोस्टर की तरह वैसे ही चिपक गई है, और उसकी छवि को धूमिल करने के लिए ये इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। ये जनता है, सब जानती है। 8 महीने में जिस प्रकार से डकैती का राज मध्य प्रदेश में चला है, जिस प्रकार से तबादला उद्योग के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों की जेबों में डाका डाला है कांग्रेस के छुटभैये नेताओं ने और मंत्रियों ने, ये सब जनता को मालूम है। आप किसान का कर्जा तो माफ नहीं कर पाए, आपका एक वादा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। आप युवाओं को रोजगार मुआवजा नहीं दे पाए, आपका दूसरा वादा पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। आप युवाओं के रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप लोगों को पानी नहीं दे पाए, आप लोगों को बीज और खाद नहीं दे पाए, किसान की जिंदगी में हाहाकार मचा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, सरे रहा लोगों को मारा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, और बाढ़ में पूरा मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति बनी है। पर मध्य प्रदेश के सेठ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो एक भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा कर पाएं। गर्मी में कांग्रेस की सरकार में पानी का अभाव था, और बरसात में कांग्रेस की सरकार में पानी का भराव है। ये अराजकता की स्थिति में अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं, पर पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। वहीं इसे लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। शिवराज ने पूछा कि 8 महीने में कमलनाथ सरकार की कौन सी उपलब्धि है जिसने जनता को राहत दी है, प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है। तुलना तो होनी चाहिए। अब आज मैं अटल जी को श्रद्धांजलि दे के निकला हूँ, लेकिन 8 महीने में प्रदेश को तबाह करने वाली सरकार की कौन सी उपलब्धि है जो जनता को राहत देती हो? कर्ज माफ किया नहीं है, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं है,
झूठे वचन इतने दिए कि लोग अगर अब मांगने आते हैं तो उन पर डंडे पड़ते हैं। विकास पूरी तरह से ठप है, लैंड ऑर्डर का कहीं पता नहीं है, रेत खोदने से लेके जमीन लूटने तक का अभियान चल रहा है, भ्रष्टाचार नित नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और इसके बाद भी पोस्टर चिपका रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे इस होर्डिंग से प्रदेश की राजनीति में सरकार के कामकाजों को लेकर एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे की सरकार के कामकाजों को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।